फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे जिसका नाम है डिशेज ऑफ स्वाति। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। पानी गर्म करने के लिए हल्का सा पानी गर्म हो जाएगा, फिर इसमें अंडा डालेंगे। तो पानी हल्का गर्म हो चुका है, तो चलिए अब इसमें अंडा डाल देते हैं। तो अब इसे बॉयल होने देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ, इससे जल्दी बॉयल हो जाएगा और ये फटेगा नहीं। तो जब तक वहाँ पे अंडा बॉयल हो रहा है, तब तक मैं यहाँ प्याज टमाटर मिर्च सब कुछ काट के रख लेती हूँ। प्याज मैं छोटा छोटा पीस में काट रही हूँ, ये गलने में बहुत आसानी होता है, अच्छी तरह से ये घुल जाता है, मिल जाता है, इसका बहुत अच्छा रस्सा तैयार होता है। तो अंडा बॉयल हो चुका है, अब इसके छिलके को निकाल लेते हैं। अब अंडा बॉयल हो चुका है, उसका छिलका निकाल के रखे हैं और तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म होगा तो सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तेल अब गर्म हो गया है, अब इसमें अंडा डाल देते हैं। अब ये ब्राउन हो गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो अभी अब सारा फ्राई करके रख लिए हैं, अब इसमें हींग, जीरा और तेज पत्ता डालेंगे। तो प्याज को अब ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं और इसी में मैंने चार मिर्च को काट के डाल दिया है। इसमें हल्दी डालें, अब इसमें टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर गलने देते हैं, तब इसमें मसाला डालेंगे। टमाटर गल गया अच्छी तरह से, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसमें जीरा गोलकी का पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे सब मसाले बढ़िया से। नमक जाएगा, इसमें दो चम्मच नमक हम डालेंगे क्योंकि प्याज भूनते टाइम भी मैंने आधा चम्मच डाला था। मसाला अच्छे से भून गया है, उसमें पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा, जैसा आपको ग्रेवी रखना है। इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है तो अब इसमें अंडा डाल देंगे। और ये उबलेगा, उसके बाद ये रेडी। अब ये हो गया है, अब इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। गैस को बंद कर अब इसे सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आए। तो फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।